कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं टोयोटा ग्लैंजा। चार वेरिएंट्स में आएगी, ई एस जी एंड वी, और ये इसका सेकंड टॉप जी वेरिएंट का ही फ्रंट लुक आप लोग देख रहे हैं टोयोटा ग्लैंजा का। क्रोम फिनिश में ग्रिल देखने को मिलती है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है क्रोम हाईलाइट में। एंड ये है दोस्तों इसकी ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद एलईडी डीआरएल एंड टर्न इंडिकेटर बल्ब इंटीग्रेटेड। स्मोकी फिनिश के साथ हेडलैम्प मिलती है। एंड ये है इसका बिग साइज रेडिएटर ग्रिल, बेहतर एयर इनटेक के लिए गाड़ी के अंदर। और यह दोस्तों गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट से लुक। फॉग लैम्प नहीं आते इस वेरिएंट के अंदर। टोयोटा ग्लैंजा का सेकंड टॉप जी वेरिएंट आप ये देख रहे हैं। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की रायपुर में, तो ये आप लोगों को पड़ेगा 9,70,000 रुपीज का ऑन रोड रायपुर। डीलरशिप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उनको आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए। और ये गाड़ी के वाइपर एंड वॉशर आउटसाइड ओआरबीएम इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल फंक्शन के साथ देखने को मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड। एंड ये है दोस्तों इसके अंदर 16 इंच के ड्यूल टोन फिनिश में अलॉय व्हील, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक आएंगे गाड़ी के अंदर। और ये है दोस्तों गाड़ी का कंप्लीट साइड से लुक। टोयोटा की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम हैचबैक है टोयोटा ग्लैंजा, और गाड़ी का अगर साइड से लुक देखें तो भी आप लोगों को एक प्रॉपर प्रीमियम हैचबैक का लुक प्रोवाइड करती है टोयोटा ग्लैंजा। यहां पर काफी बेहतरीन लुक्स के साथ आती है यहां पर। और ऐसी कुछ कीज देखने को मिलती है, टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है कीज के अंदर। लॉक और अनलॉक का फीचर मिल जाता है, क्रोम विंडो गार्निश मिलती है, फ्रंट के दोनों डोर्स में कीलेस गो का फीचर मिलता है गाड़ी के अंदर। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा ब्लू, सिल्वर, रेड एंड व्हाइट कलर का भी ऑप्शन आता है टोयोटा ग्लैंजा के अंदर। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स ऑफर करती है टोयोटा ग्लैंजा। और यह है गाड़ी का यहां पर कंप्लीट रियर से लुक। ग्लैंजा की बैजिंग मिल जाती है आप लोगों को, सेंटर में क्रोम फिनिश देखने को मिलती है ट्रंक के अंदर। स्पॉइलर मिलता है विद एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैंप। रियर विंडशील्ड में रियर वाइपर डिफॉगर मिलता है वॉशर के साथ। ये ग्लैंजा की बैजिंग, एलईडी टेल लैंप देखने को मिल जाती है, पीछे जी वेरिएंट की बैजिंग आती है। नीचे की तरफ बंपर में आप लोगों को रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं रिफ्लेक्टर के साथ। और चलिए मैं गाड़ी का बूट ओपन कर लेता हूं। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है गाड़ी के बूट के अंदर, काफी अच्छी हाइट में ओपन होता है गाड़ी का बूट। और यहां पर दोस्तों लगभग 318 लीटर की बूट स्पेस ऑफर करती है टोयोटा ग्लैंजा। बूट में लैम्प देखने को मिलता है लगेज हुक्स के साथ, काफी वेल डिजाइन आप लोगों को यहां पर बूट मिलता है। इसको उठाएंगे तो इसके नीचे मिल जाता है स्पीयर व्हील विद टूल किट। सेकेंड रो की सीट को आप लोग यहां पर कंप्लीट फोल्ड कर सकते हैं ज्यादा लगेज रखने के लिए। पार्सल ट्रे मिलती है जिसको कि आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है आप लोगों को यहां पर सेंटर में गाड़ी के अंदर। और आइए दोस्तों अब गाड़ी के रियर डोर का लुक ओपन करके देख लेते हैं यहां पर। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के रियर पैसेंजर साइड गेट का लुक, काफी वाइड ओपन होता है गाड़ी का डोर, तो गाड़ी में अंदर जाने में बाहर आने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। ड्यूल टोन फिनिश में डोर देखने को मिलता है ब्लैक एंड बेज, सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है डोर के अंदर। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर स्पीकर मिल जाता है। और ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों गाड़ी की रियर की सीट टोयोटा ग्लैंजा के जी वेरिएंट की। ड्यूल टोन फिनिश में आप लोगों को यहां पर सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। लेगरूम की बात करें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी के अंदर। लेगरूम में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं पीछे की सीट में। 2 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं यहां पर। ड्यूल टोन फिनिश मिलती है सीट की अपहोल्स्ट्री में। ऊपर की तरफ बेज फिनिश मिल जाता है रूफ लाइनर। रीडिंग लैंप मिल जाती है रियर के पैसेंजर्स के लिए। और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, और जो ऊपर रूफ में रीडिंग लैंप मिलती है अगर वो थोड़ी और पीछे होती तो और अच्छा होता पीछे के पैसेंजर्स के लिए। रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहां पर। टाइप एंड टाइप सी आप लोगों को यहां पर 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। स्कूप्ड आउट सीटबैक एरिया देखने को मिलता है, बेहतर लेगरूम के लिए गाड़ी के अंदर। और चलिए दोस्तों अब गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लुक ओपन करके देख लेते हैं यहां पर टोयोटा ग्लैंजा के। फ्रंट के दोनों डोर्स में कीलेस गो का फीचर मिल जाता है आप लोगों को इसके सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर भी। और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लुक, यहां पर भी आप लोगों को सेम ड्यूल टोन फिनिश मिलती है। ब्लैक एंड बेज ऑल 4 पावर विंडो की कंट्रोल मिलती है ड्राइवर साइड विद ऑटो डाउन। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है, नीचे की तरफ मिलता है बॉटल होल्डर स्पीकर। एंड ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों गाड़ी की फ्रंट की सीट, काफी कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिलती है। ड्राइवर साइड सीट की हाइट को मैनुअली आप लोग यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं स्लीवर की मदद से। और ये ओवरऑल पूरे डैशबोर्ड का लुक है एंड ये गाड़ी के नीचे के पेडल्स। और चलिए दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं, डोर को क्लोज कर लेता हूं यहां पर। राइट साइड में मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप फीचर देखने को मिलता है, बेहतर एवरेज के लिए वहीं से हेडलैम्प का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों इसका स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होने के बाद। राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिलता है और बीच में एमआईडी मिलती है जो कि गाड़ी का रियल टाइम एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीजें आप लोगों को शो करेगा गाड़ी से रिलेटेड। ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है यहाँ पर, लेदर अप नहीं आता टॉप वेरियंट की तरह। हालांकि स्टीयरिंग कवर आप लोग टोयोटा की तरफ से एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं। ब्लूटूथ एंड फोन के कंट्रोल देखने को मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के अंदर, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल के साथ। स्टीयरिंग व्हील की फंक्शन की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ आता है स्टीयरिंग व्हील। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है गाड़ी के अंदर और ये गाड़ी के वाइपर्स की कंट्रोल आगे और पीछे। गाड़ी में अंदर बैठने के बाद विजिबिलिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। और यह है दोस्तों इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा यहां पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड एफएम रेडियो को। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं काफी क्लियर क्वालिटी देखने को मिलती है गाइडलाइंस के साथ। इससे ऊपर वाला वेरियंट अगर आप लेते हैं टोयोटा ग्लैंजा का तो वहां पर आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है हेडअप डिस्प्ले के साथ। और वहां पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो साइज है वो भी आप लोगों को बड़ी देखने को मिलती है 9 इंच की। लेकिन इस वेरियंट में भी आप लोगों को सारी चीजें लोडेड देखने को मिलती है अगर फीचर्स की बात करें तो। यहां से हजार्ड लैंप को आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है यहां पर विद हीटर जो कि आप लोगों को टोयोटा ग्लैंजा बेस मॉडल से ऑफर करती है। नीचे की तरफ आप लोगों को यहां पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है इंफोटेनमेंट के लिए, दो कप होल्डर मिल जाते हैं यहां पर। और यह दोस्तों इसका 5-स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है मैनुअल हैंडब्रेक के साथ। डिसेंट स्पेस मिलती है आर्मरेस्ट के अंदर, हालांकि हाथ रखने के लिए काफी कंफर्टेबल है वो आर्मरेस्ट। ड्यूल टोन फिनिश में डैशबोर्ड मिलती है पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट स्पेस के साथ मिलता है गाड़ी का ग्लव बॉक्स, कूलिंग फंक्शन नहीं आता इसके अंदर। और ये ओवरऑल पूरे डैशबोर्ड का लुक है यहां पर टोयोटा ग्लैंजा के। ऊपर की तरफ यहां पर आप लोगों को रीडिंग लैंप देखने को मिल जाती है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए येलो हेलोजन। रियर व्यू मिरर मिलता है जिसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग डे और नाइट के हिसाब से अगर पीछे से लाइट आती है तो। फ्रंट के दोनों ही सनसेट में आप लोगों को यहां पर लाइट देखने को नहीं मिलती। को ड्राइवर सीट सनसेट में यहां पर वैनिटी मिरर मिल जाता है। और चलिए दोस्तों मैं गाड़ी का इग्निशन यहां से ऑफ कर लेता हूं, यहां पर थोड़ी स्पेस मिलती है। और चलिए दोस्तों मैं गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूं यहां से। केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ही आती है टोयोटा ग्लैंजा और बहुत ही साथ इसमें आप लोगों को सीएनजी इंजन भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टोयोटा ग्लैंजा के अंदर। तो दोस्तों यह है इसका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 88 bhp की पावर और 113 nm ऑफ टॉर्क, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और लगभग 22 का माइलेज क्लेम करता है टोयोटा इस इंजन के साथ। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने को मिलती है इंजन में बेहतर प्रोटेक्शन के लिए। ये वही इंजन है जो मारुति बलिनो, मारुति डिजायर और मारुति स्विफ्ट के अंदर यूज होता है। एंड यहां से आप लोग डाल सकते हैं गाड़ी में वाइपर एंड वॉशर फ्लूइड। ऊपर बोनट में पैडिंग मिलती है जिससे केबिन में साउंड कम जाए। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा टोयोटा ग्लैंजा का ये वीडियो मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और सी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।